हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजयबिन, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल दमन वैली पर। हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी के वो फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किए थे, मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो मेरिट लिस्ट आने से पहले, सब सारी जानकारी देने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ से मिलता ही रहेगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। जो भी अपडेट होगा वो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। देखिए, अपडेट जो भी है टेलीग्राम चैनल पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो डॉक्यूमेंट का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि मैंने लिंक शेयर कर दिया है। बाकी सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड हर चीज़ का किया, लेकिन बट मेरिट लिस्ट के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरिट लिस्ट कैसे क्या करना है, कितने बच्चे स्टूडेंट हैं जो मेरिट लिस्ट मेरिट जो काउंसलिंग करा सकते हैं, कितने काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, सबको मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, कौन कौन स्टूडेंट। चलो, तो सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं मेरिट लिस्ट अपलोड कर दूंगा, और ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, चलिए हम देखिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको क्रोम ब्राउजर पर जाने पर यह ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद सर्च करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा, फिर ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और ठीक है, यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये आ गया डाउनलोड मेरिट लिस्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करने पर आपका मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। देख सकते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट है ये आप सामने शो हो रहा है डाउनलोड करने के बाद। कुछ ये आपकी जो है 50 पेजों का लिस्ट है, 50 पेजों में जो भी बच्चे जितने कितने स्टूडेंट आ रहा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका लास्ट रैंक है, वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। 549 देखिए, लास्ट में चंद्र प्रताप माथुर का है, गंगादास माथुर, जो इनकी है 33% इनकी रैंक, मतलब 33% बना हुआ है, जो कि 5237 रैंक है, यानी कि 5237 रैंक है, लास्ट रैंक है इस बच्चे की। तो अब देखिए, 33 जो इनकी रैंक है 5237, और आपको बताएंगे जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, 96% जो इसका मार्क्स है वो ओबीसी के बने हुए हैं, जो फर्स्ट है, तो 33 तक गया हुआ, यानी कि अब जितने देखिए 5237, ठीक है, अब सीटें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन 5237 बच्चे क्या करेंगे, इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं सब काउंसलिंग करा सकते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो काउंसलिंग नहीं करा सकता है, ठीक है। तो काउंसलिंग सब कराएंगे, सबको कोई ना कोई सीट मिलेगी, ये 100% है, क्योंकि जो भी काउंसलिंग कराएगा उसको सीट मिलना है। लेकिन अब ये सारे बच्चे काउंसलिंग तो नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, कहीं ना कहीं इनका एडमिशन हो चुका है, क्योंकि एक फॉर्म तो फिल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करते हैं, या फिर इतना देर लेट मेट लिस्ट होने के कारण कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं बच्चे, तो ये इस कारण से भी होता है। तो ये सब जानकारी जो है, ये सब जो है, इसकी वजह से जो है सारे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं एडमिशन, या फिर इसमें कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरी लिस्ट आई कि नहीं आई, तो बहुत सारी जो है ऐसा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है छूट जाता है बच्चों को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, अगर आपको अपना मेरिट लिस्ट नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और हाँ, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा आपकी कितनी रैंक है, क्या सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना रैंक खुद देख सकते हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं, आपकी तरफ यूपी में आईडी है, नाम है, पिताजी का नाम है आपके, ठीक है, उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स है, क्योंकि ये इसलिए दिया जाता है सारी जानकारी, क्योंकि हो सकता है एक स्टूडेंट दो नाम से हो जाए तो उनका पिताजी का नाम मैच कराना होता है, पिताजी के नाम अगर सेम हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ देखना होता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम, कोई ना कोई मतलब एक ना एक चीज़ इन तीनों चारों में से कोई ना कोई आपका डिफरेंस जरूर होगा, जो आपका डिफरेंस, उसके अलावा यूपी SMFAC आईडी भी है, तो आप इससे ज़रूर मैच हो जाता है, पहला थिंग तो यही है, जो आप ये आपकी आईडी मैच हो जाती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी आप देख सकते हैं लिस्ट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी जानकारी आप खुद ले सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं, बट मैक्सिमम ज़्यादा सभी स्टूडेंट को सीट मिलना ही मिलना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लो, हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल वहाँ पर ज्वाइन कर लो।